वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। स्वागत है जी अज के नवे ब्लॉक के अज तुहानू दर्शन करवावांगे गुरद्वारा कुष्ठ निवारण साहिब दे। वीडियो नू एंड तक पूरी जरूर देखियो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा कुष्ठ निवारण साहिब पिंड भातपुर जो कि लुधियाने तो 125 किलोमीटर की दूरी पर है, आनंदपुर साहिब तो 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इतिहास गुरुद्वारा भातपुर साहिब कुष्ठ निवारण इस पवित्र स्थान नू छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी मीरी पीरी के मालक की चरण छो प्राप्त है। जंगा युद्धा तो बाद गुरमुख प्रचार लई अपना पक्का मसेवा करन लई गुरु जी ने इस इलाके नू चुनिया। 13 मगर 1683 विक्रमी नू गुरु जी कहलूर दे राजे तारा चंद तो बहुत सारी जमीन मुल लै के 13 हाड़ 1684 विक्रमी नू मोहड़ी गद्दी अते बाबा गुरदित्ता जी नू कीरतपुर साहिब वसाउण दा हुकम दिता। आप सच्चे पातशाह जी गुरसिखी प्रचार करदे होए दुआबा अते मालवा दे पिंडां विच गुरु जस अते कीर्तन दियां कुम्हारा पाउण लगे। गुरु जी सिखां समेत कपूरथला जलंधर श्री हरगोबिंदपुरा करतारपुर होशियारपुर आदि इलाकों विच विचरदे होए गुरु उपदेश अते कीर्तन द्वारा संगतां नू निहाल करदे रहे। गरना साहिब आदि स्थानां तों हुंदे होए उन्हां तहसील विच गुरमत प्रचार अते नाम जपाउंदे पिंडां दुलेड़ी भातपुर साहिब एक पहाड़ी ते आ के विराजे। इस जगह घने जंगल होण कारण शेर चीते अते हाथी नाल भरपूर सी। इस टिब्बी ते कुछ लोग वसदे सन जिन्हां ने गुरु साहिब दी बहुत सेवा कीती। गुरु साहिब सवेरे शाम नाम कीर्तन अते उपदेश राही संगतां नू निहाल करदे अते बख्शिशां करदे। दिन विच सिख बहादुरां नू खूनखार जानवरां दा शिकार करवाउंदे। गुरु जी इस अस्थान ते कई दिन ठहरे। जदों कीरतपुर साहिब जाण दा प्रोग्राम संगतां नू दस्या तां हुक्म कीता तुसीं गुरु नानक दरबार दी सेवा कीती है अते तुहाडे ते गुरु जी दीआं खुशियां हन, जे किसी चीज़ की मंग है तो दसो। इस कुनवे का मोढ़ी भाई भरता जिसनों शुरू तो कोहड़ का रोग सी उसने हाथ जोड़ के बेनती की कि गुरु जी साडे परिवार तो हुण कोहड़ का रोग खत्म कर दिओ। गुरु जी ने हुक्म किया कि गुरु नानक जी की तुहाडे ते कृपा हुई है, तुहाडा कुष्ट रोग दूर है, पर अगे नूं मास मच्छी का सेवन नहीं करना। भाई भरता अते संगतां ने देखिया कि उन्हां दा कुष्ट रोग दूर हो गया अते शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया। उन्हां दी श्रद्धा बहुत वध गई। उन्हां ने गुरु जी दे चरणां च सीस निभाया। फिर गुरु जी कीरतपुर साहिब वल चाले पा गए। इस अस्थान दा नां भाई भरता दे नां ते ही भातपुर साहिब पै गया। इस खानदान विच अजे भी कोई मास मच्छी दा सेवन नहीं करता। जे कोई सेवन करता है उसनू खांदा है तां कोहड़ दा रोग फिर दोबारा फुट पैंदा है। अजकल इस अस्थान दी सेवा इलाके दी चुनी गई कमेटी कर रही है। इस अस्थान दी कार सेवा संगतां दे उद्यम नाल ही चल रही है। इस अस्थान ते माघी दी संगरांद असू दी संगरांद गुरु हरगोबिंद साहिब जी दा प्रकाश पुरब विशेष तौर पर मनाए जाते हैं। यह है जी गुरद्वारा भातपुर साहिब का इतिहास। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अजे भाई धारे राजे एक स्कीम लान लगे है, एक विचार सोच कर लगे है कि किस तरह असि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह को जीत के आनंदपुर साहिब की धरती तो बाहर कर दिए। ये भाई धारे राजे जो स्कीम कर रहे हैं और धारी कृष्ण दीवानी सुनते जाओ जी। Yeah.
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਲ ਮੱਠੀਆਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੜਕੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਕੁਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਏਰੀਆ ਵਾ ਸਾਰਾ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਇਹ ਭਾਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।